मुझे याद है तूने मुझे वो आइडिया दिया था अपने स्टूडेंट को दोस्त बनाने वाला, बहुत ही घटिया आइडिया था, बकवास आइडिया। आगे से ऐसे घटिया आइडियाज मत देना। अरे अगर प्रोफेसर स्टूडेंट को दोस्त बनाने चलेगा तो वो तो हल्के में लेंगे, और वही हुआ। और जिन चीजों के लिए मैं सभी की कदर करता हूँ, जैसे उसकी लगन, उसकी मेहनत, कुछ कर दिखाने की चाह, वही सारी चीजों को इग्नोर कर रही है वो। आइंदा से ऐसे घटिया आइडियाज मत देना मुझे। तो दूसरा आइडिया और आ रहा है साहब का। जी अक्का साहब। हेलो ईशान, सुन, सैटरडे को अपने आप को फ्री रखना, हम तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या? अरे क्या क्या, देख तूने प्रॉमिस किया है, याद है ना? तू अपने प्रॉमिस से मुकरना मत। इस शनिवार शाम हम तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, बस। ठीक है, ठीक है। हाँ, फंस गया हूँ यार मैं। सभी तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। सभी ये रूपा मैम है, और मैम ये सभी। हाय, आई एम सभी चौहान। आपका पूरा नाम? ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। Are you sure, Kalra, कि ये लड़की इस काम के काबिल है? Yes, ma'am. अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, ठीक है? So, इस जॉब के कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें अभी मैं समझाऊंगी। सबसे पहला रूल ये है कि ये काम करने के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन कब आना पड़ेगा, टाइमिंग्स क्या होगी, वो मैं डिसाइड करता हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये काम के बारे में, जॉब के बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरे शर्तों में से एक है। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे लिए काम कर, किसी को ये भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम ये काम कर रहे हो, अपनी फैमिली को भी नहीं। यू अंडरस्टैंड? अगर तुम अपनी फैमिली को भी बताओगी तो हमें तो पता चल ही जाएगा, और तुम्हें 10,00,000 का फाइन भी लग सकता है। और 2 साल जेल में सजा। ऑफ कोर्स तुम्हें ये बॉन्ड साइन करना होगा जिसमें ये सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस लिखी हुई है। और हाँ, एक और खास बात,
तुम यहाँ पे अपना फोन नहीं यूज कर सकती। अपना फोन बाहर जमा कराना पड़ेगा। क्या ये सारी कंडीशंस मंजूर है? 3 महीने से घर का रेंट नहीं दिए, अगर 1 हफ्ते में 45,000 नहीं दिए ना, ये घर भी खाली करना पड़ सकता है। काम क्या है? तुम्हारा काम है तो तुम तैयार हो? पैसे कितने मिलेंगे? ये काम बस इस वीकेंड तक है, मतलब ये 7 दिन के बाद तुम्हारा काम खत्म। और ये काम के लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। बोलो, मंजूर है? करूंगी। सोच लो, क्योंकि हम हमारे कंडीशंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तीन महीने से घर का रेंट नहीं दिए, अगर 1 हफ्ते में 45,000 नहीं दिए ना, ये घर भी खाली करना पड़ सकता है। काम कब से शुरू करना है? अभी से। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ हमारा जॉब क्या है। फॉलो मी। लो, तुम्हारा काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या इस सैटरडे को इशू लड़के देखने जा रहा है? आर यू सीरियस शंतनु? मतलब ईशु ने हाँ कर दी? हाँ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि जब ईशु शादी अभी नहीं करना चाहता तो अक्का साहब इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? अक्का साहब को तो दुर्वा की शादी के लिए भी जल्दी है। बाय द वे, दुर्वा का रिश्ता पक्का हो गया। क्या बोल रहे हो तुम? इतनी जल्दी क्यों? जिससे शादी हो रही है उस लड़के के बारे में सब कुछ पता कर लिया ना? उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सारी पूछताछ करवाई है कि नहीं? हाँ, अक्का साहब लड़के की फैमिली को लेकर बहुत श्योर है और दुर्वा को भी लड़का पसंद है, वो बहुत खुश है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईशान कोई लड़की देखने जाएगा। अक्का साहब ने प्रेशराइज किया होगा, इसीलिए तैयार हो गया होगा। अगर और प्रेशराइज करेंगी तो शायद शादी भी कर लेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी करेगा। सच बताओ तो वो अभी भी दुर्वा को भुला नहीं पाया। शंतनु, अगर ईशु की शादी रीवा से हो भी जाती ना तो भी वो नहीं टिकती, क्योंकि रीवा के अपने खुद के सपने, वो पढ़ना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है। और कहीं ना कहीं ईशु को ऐसे लगता कि रीवा बिल्कुल उसकी माँ की तरह है। उसकी माँ एक जैसी औरत है, बिल्कुल वैसी है। अक्का साहब ईशु के रग रग से वाकिफ है, अच्छी तरह से जानती है।
तो मेरे बेटे के मन के साथ उन्हें किस तरह से खेलना है। वो ईशु के लिए एक ऐसी लड़की लेके आएंगी जो सारे घर वालों की सेवा करेगी, जो अक्का साहब की हाँ में हाँ मिलाएगी और करियर के बारे में कभी नहीं सोचेगी। जब ईशु देखेगा ना कि वो लड़की उसकी माँ से बिल्कुल अलग है तो देखना वो शादी के लिए हाँ कर देगा। गलती तो मेरी है शर्त, आज अगर मेरे बच्चे की ऐसी सोच है तो वो मेरी वजह से। ईशा ईशा एक मिनट काम डाउन, देखो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सो प्लीज ऐसा मत सोचो। मेरे सोचने ना सोचने से क्या होगा, छोड़ो। सभी कैसी है? कितने दिन हो गए उसने मुझसे बात तक नहीं की, कहाँ है वो? सभी ईशा हमारी बात तो कई दिनों से मुझसे भी नहीं हुई है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कभी मुझसे पूछो कि मैं कैसा हूँ, मेरा हालचाल क्या है? कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम मुझे फोन करो, कि हर वक्त मैं ही फोन करके हमेशा तुम्हें अपडेट्स देता रहूं? क्या बोल रहे हो शंतनु? एनीवे बहुत सारा काम है, मैं अभी रखता हूँ, बाय। क्या होते फोन? नौ बज गए, 8 बजे के बाद तो हॉस्टल में एंट्री भी नहीं मिलती है। सभी तू तो गई आज। ऑटो सभी। सर आप कहाँ जा रही हो? हॉस्टल। बैठो ड्रॉप करता हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो कुछ पर्सनल काम था मुझे। यहाँ क्या पर्सनल काम? वो था कुछ सर। सभी ये एरिया अच्छा नहीं है तो यहाँ मत आया करो, हुँ? खास करके रात को तो नहीं। आगे से ख्याल रखूंगा सर। वैसे आप क्या कर रहे थे यहाँ? मैं अपने सीनियर के गया था, यहाँ से क्रॉस कर रहा था, तुम दिख गई। तुम्हारी ताई कैसी है? हाँ पहले से काफ़ी बेटर। वैसे मैं उस दिन आपको थैंक यू नहीं बोल पाई ठीक से, आपने वाकई बहुत मदद की थी, सो थैंक यू सर। मेरी मदद की ज़रूरत कहाँ पड़ी तुम्हें, इस महिषासुर किरण के लिए तो तुम अकेली काफ़ी थी। सच कह रहा हूँ, जिस तरीके से उसे सबक सिखाया ना, मुझे तुम में माँ दुर्गा दिख रही थी। एक बात कहूँ सभी, आई रियली रियली लाइक यू। नहीं नहीं मतलब वैसे वाला लाइक नहीं, मतलब तुम जैसी इंसान हो, जैसी शख्सियत हो, वो मुझे बहुत पसंद है। तुम अपने उसूलों पे खड़ी रहती हो, अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं करती, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तुम सच के लिए आवाज़ उठाती हो, कभी कभी हाथ भी उठाती हो और ये सब कुछ मुझे भी बहुत मोटिवेट करता है। सर थैंक यू, लेकिन आपने वाकई बहुत मदद की। मैंने जो भी किया इसलिए किया क्योंकि आपने मुझे हिम्मत दी, मैं जानती थी कि आप मेरे साथ खड़े हैं। ये तो फर्ज है ना मेरा। वैसे चिंता मत करो, तुम्हारा वो जो जीजा है ना, इतनी धाराएं लगाई हैं उस पर, जल्दी बाहर नहीं आएगा। लो आ गया तुम्हारा हॉस्टल, ख्याल रखना। थैंक यू सर। मैं करूं? थैंक यू, बाय बाय। भाऊ भाऊ प्लीज आज जाने दो, आइंदा से कभी लेट नहीं होंगे, आई प्रॉमिस। चले मैडम, 8 बजे के बाद किसी को भी एंट्री अलाउड नहीं है। हाय दुर्गा। हाय। लेट्स गो।
हाँ बस 2 मिनट। भाऊ प्लीज ना जाने दो। अरे मैडम आप बहुत लेट हो। मैं लेट नहीं होती लेकिन बस रिक्शा कैब कुछ भी नहीं मिला मुझे। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं काम से गई थी। बोला ना नहीं। क्या हुआ? बस 2 मिनट यार, मैं एक लूजर को वॉचमैन के आगे गिड़गिड़ाते देख रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है। भाव प्लीज ना, प्लीज मैं अगली बार से नहीं। अरे मैडम तुम तो प्लीज बोल लोगे, कल सुबह मेरी नौकरी चली जाएगी किसी को पता चला तो। और ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ के कुछ नियम होते हैं जो सबको मानने पड़ते हैं। चलो जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ भाव, बस रहने की और कोई दूसरी जगह नहीं। प्लीज मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अगली बार लेट नहीं आऊंगी। लगता है मिस कवार को आज की रात फुटपाथ पे गुजारनी होगी। अजीब ही आइटम है, गाड़ी में बैठने की बजाय वहां पता नहीं क्या देख के मजे ले रही है। वैसे वहाँ हो क्या रहा था? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही है, एक गवार लड़की जिसको ना आदत है ऐसे कुछ ना कुछ करके मुसीबत में पड़ने की। ऐ छोड़ हमें क्या, तो चले। हाँ ऑफ कोर्स, पार्टी शुरू करते हैं फिर। बस इस बार जाने दे रहा हूँ, दोबारा लेट मत आना। कभी लेट नहीं आऊंगी आई प्रॉमिस। चले समझ सकती हूँ लेकिन मैं जैसे यहाँ से निकली बाजीराव के साथ तुम गरबा खेलने के लिए चली गई। तुम मेरी स्टूडेंट बनना डिजर्व ही नहीं करती हो। भरोसा नहीं करना चाहिए था मुझे तुम पर, ऐसी गैर जिम्मेदार स्टूडेंट को मुझे अपना मेंटी बनाना ही नहीं चाहिए था। पर गलतफहमी हो गई मुझसे, मुझे लगा कि तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, लेकिन आज तुमने वो गलतफहमी दूर कर दी। जो मैंने तुम्हारे हाथ में मौली बांधी है ना, यू डोंट डिजर्व दिस, तो तुम्हें इसे उतार देना चाहिए। सविया मुझे अपना मेंटोर तो बनाने से रही, लेकिन वो खुद तो पढ़ाई करे, पढ़ना तो दूर। ये लड़की तो आजकल मेरे लेक्चर्स भी मिस करने लगी है। मैंने इसका प्रोफेसर बन के देखा, मेंटोर बन के देखा, यहाँ तक कि दोस्त भी बनने की कोशिश की, मगर नहीं। मैडम तो कोई बात समझ ही नहीं आ रही, न पढ़ाई न लगन न मेहनत, और एक मैं हूँ जो उसके पीछे रात रात भर जाग रहा हूँ। दुर्वा तू इतनी रात को कहां से आ रही है? दादा क्या कभी मैंने आपसे पूछा है कि आप कहां जाते हैं, कहां से आते हैं, क्यों जाते हैं? नहीं ना, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? दुर्वा देख, मैं जानता हूं हमारे बीच में कुछ वक्त से अनबन चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तेरी फिक्र करना छोड़ दूंगा। दुर्वा तू मेरी छोटी बहन है, मैं तेरी फिक्र कैसे ना करूं पता? इसे जनरली तुझसे मैं पूछ रहा हूँ, तो कहाँ से आ रही है इतनी रात को? वो मैं सैम के साथ गई थी, हम दोनों क्लब गए थे। क्लब? सैम के साथ? किसको बता के गए थे तुम? दादा आर यू सीरियस? प्लीज मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ कि मैं किसी को बता के जाऊंगी या पूछ के जाऊंगी कहाँ जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ। प्लीज मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ले सकती हूँ, अपने डिसीजंस भी खुद ले सकती हूँ। किसी एरे गहरे के साथ थोड़ी गई थी, सैम के साथ गई थी, उससे शादी होने वाली है मेरी। पर आप ना मेरी फिक्र छोड़िए दादा, अब आप अपने होस्टल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ कोई है जो रूल्स ब्रेक कर रहा है। किसकी बात कर रहे हो? अरे दादा एक ही एक तो है, आपकी फेवरेट सभी। आप उसके मेंटोर बने फिरते हैं, पर वो तो आपका क्लास भी अटेंड नहीं करती। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो होस्टल भी लेट से गई थी। आपको पता है उसे ड्रॉप करने कौन आया था? आपका क्लासमेट, वो क्या नाम है,
एसीपी बाजीराव। मैं रिहर्सल करके निकल ही रही थी, लगभग 9:30 बज रहे होंगे तब। दादा, अगर आपके शिष्य ही आपको सीरियसली नहीं ले रही है तो आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करें कि मैं आपकी बात सुनूंगी? आप ना मेरी फिक्र छोड़ दीजिए, मैं अपना देख लूंगी, आप अपनी स्टूडेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है? गुड नाइट। हेलो सवी, हॉस्टल में लेट पहुंची थी आज? जी जी सर। कोई छोड़ने आया था उसे? जी सर। कौन? मैंने ठीक से देखा नहीं सर, लेकिन शायद कोई पुलिस वाला था। पुलिस की जीप से उतरी थी सर सवी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।